नेक्स्ट कैटेगरी है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 2D। हमने कहाँ से स्टार्ट की कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन इन 1D, V1 V2 के फॉर्मूलाज, इलास्टिक कोलिजन इन 1D। फिर हमने क्या किया? इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D। तो आज हम क्या करेंगे? इलास्टिक कोलिजन इन 2D। तो इलास्टिक कोलिजन इन 2D का मतलब एनर्जी लॉस नहीं है। तो पहली चीज, ये डायग्राम में दो बॉल्स हैं, एक M1 मूविंग विद U1 और ये M2 लाइंग एट रेस्ट को टक्कर मारती है, एक बॉल इधर तो एक बॉल इधर। रूल नंबर 1, जब ये टक्कर मारेगी हेड ऑन कोलिजन नहीं हो सकती, क्योंकि हेड ऑन कोलिजन में हमेशा रिवर्स बैक हो जाती है, टक्कर ऐसी कही होगी, एंगल पे होगी, थोड़ी सी ऊपर नीचे, बॉल्स ऐसी रही होंगी तभी तो ऊपर नीचे गई, पर हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं डिस्टेंस को। पर वैसे रूल वाइज ये है, जब हेड ऑन लगेगी तो स्ट्रेट लाइन है, हेड ऑन से थोड़ा साइड पे हो जाएगी तो टेढ़ी जाएंगी। दूसरा रूल, ये टेबल के ऊपर बॉल्स पड़ी हैं, ये ऐसा डायग्राम नहीं है, ये ऐसा डायग्राम है, एक बॉल ये पड़ी हुई है, एक बॉल ये पड़ी हुई है, ये बॉल इसको टक्कर मारती है, एक इधर एक इधर, तो इस पूरे डायग्राम को मैंने ऐसे बनाया है। तो कोई ये ना कहे बॉल हवा में उड़ गई, इसका वेट नीचे से गिरेगा, ये टेबल के ऊपर चल रही है, ठीक है। बहुत लोग सोच सकते हैं अगर ये इमेजिन कर नहीं पाओगे तो मैं खुद बोलूंगा यार ये प्रोजेक्टाइल नहीं हो जाएगी, अगर ये हवा में उड़ गई तो लगता नहीं प्रोजेक्टाइल ना गिरेगी, हवा में है ही नहीं है, टेबल के ऊपर चल रही है 2D, ठीक हो गया। तो M1 आया U1, M2 रेस्ट पे, x के साथ एक एंगल θ1 एक एंगल θ2, उसकी वेलोसिटी V1 इसकी वेलोसिटी V2। तो इसमें लिख लेना कि इसका मोमेंटम कितना है, M1 V1, तो इसका मोमेंटम का कंपोनेंट θ1 के साथ क्या होगा, M1 V1 cos θ1, और इस तरफ क्या होगा, M1 V1 sin θ1। क्या स्टेप क्लियर है? तो M1 V1 का मोमेंटम का कंपोनेंट M1 V1 cos θ1, M1 V1 sin θ1, राइट। ऐसी इसका मोमेंटम क्या होगा, M2 V2, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, M2 V2 cos θ2 और M2 V2 sin θ2। कोई डाउट इसमें? तो मोमेंटम के कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं, क्योंकि मोमेंटम XY प्लेन में है, तो एक X में और एक Y में। अब क्योंकि ये एक इलास्टिक कोलिजन है, इसमें मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, टक्कर से पहले मोमेंटम और टक्कर के बाद मोमेंटम विल रिमेन सेम। इसको दो बार कंजर्व करना पड़ेगा, एक बार X एक्सिस में और एक बार Y एक्सिस में। पहले स्टार्ट करते हैं X एक्सिस में। तो टक्कर से पहले एक्स एक्सिस में इस बॉल का मोमेंटम कितना है, M1 U1, क्लियर है यहां तक, टक्कर से पहले, और इस बॉल का टक्कर से पहले कितना, 0, रेस्ट पे है। टक्कर के बाद एक्स का मोमेंटम देखना है, पहली बॉल का कितना, एक्स का फाइनल कितना, M1 V1 cos θ1, और इसका कितना, M2 V2 cos θ2। क्या स्टेप क्लियर है? M1 V1 cos θ1, M2 V2 cos θ2। कोई डाउट इसमें? एक्स का मोमेंटम क्लियर है, सब कुछ आपने एक्स में देखना है। तो टक्कर से पहले इसका मोमेंटम एक्स में, इसका 0, टक्कर के बाद इन दोनों का मोमेंटम एक्स में, ये रहा, ऐड कर दिया, क्लोज इक्वेशन, ठीक है यहां तक। अब वाई एक्सिस के अंदर देखते हैं, वाई एक्सिस के अंदर कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम वाई में है ही नहीं, क्योंकि ये मूव किस में कर रही थी, अलोंग एक्स, ये किस पे है, रेस्ट पे, तो मोमेंटम क्या, 0। आफ्टर कोलिजन इस बॉल का मोमेंटम कितना है, M1 V1 sin θ1, और नीचे वाली बॉल का नेगेटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन इसकी नीचे, और वैसे भी लेफ्ट का मोमेंटम 0, तो राइट का भी क्या आना चाहिए, 0 0, तभी आएगा जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। समझ में आ रहा है यहां तक? तो कोलिजन से पहले ये वाई के लोग मूव ही नहीं कर रहा था, इसका मोमेंटम 0, ये रेस्ट पे था, इसका मोमेंटम वैसे ही 0। कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम M1 V1 sin θ1 और इसका M2 V2 sin θ2 के आगे साइन क्या आएगा, नेगेटिव। कोई डाउट इसमें? तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। टक्कर से पहले एनर्जी कितनी, ½ M1 U1 square, इसकी कितनी, 0, और कोलिजन के बाद ½ M1 V1 square, ½ M2 V2 square। आपको के कंपोनेंट्स, एनर्जी के कौन से कंपोनेंट्स हैं, एनर्जी इज अ स्केलर, एनर्जी का कोई कंपोनेंट नहीं, एनर्जी ऐसी ऐड कर देनी होती है, तो एनर्जी का कंपोनेंट क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, तो ऐड कर दो आंसर। फिर आप हो गया आगे क्या, V1 V2 कैसे निकलेगा, आगे कुछ भी नहीं, अगर क्वेश्चन आ गया तो इस टेक्निक से सॉल्व कर लेना, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आया कि 2D में इलास्टिक कोलिजन सॉल्व करनी है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, इसके बेस पे एक ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आता है, और वो ये क्वेश्चन है,
इसमें सेम क्वेश्चन है क्या कि मान लो एक बॉल है जिसका मास m, वेलोसिटी u के साथ आ रहा है, टेबल पे सेकंड बॉल पड़ी है m जो रेस्ट पे है, सेम क्वेश्चन है, बस फर्क यह है कि मैंने जो थ्योरी करवाई उसमें मास m1 m2 लिया, इसके अंदर मास m और m है, मास सेम ले लिए, टक्कर हुई, एक m गया विद v1, एक m गया विद v2, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा वन एंड थीटा टू, तो एक रिजल्ट आने वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर दो बॉल्स हैं m1 m और m, मास सेम है और दोनों की कोलिजन हो जाती है, कोलिजन होने के बाद ये सेपरेट हो जाते हैं, तो अगर ये मास सेम है, इलास्टिक कोलिजन इन 2D है, तो दोनों बॉल्स विल बी सेपरेटेड बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, पक्का स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो दो बॉल्स विल बी सेपरेटेड बाय एन एंगल ऑफ 90, लेकिन कब, जब मास दोनों के सेम है। इसका मतलब प्रूव क्या करना है, थीटा वन प्लस थीटा टू का सम क्या है, 90। हम इसे प्रूव करेंगे, पर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर इसका रिजल्ट स्टैंडर्ड याद करके लिखा जाता है, प्रूफ आता नहीं है, बस बता रहा हूं कि देखो कैसे हुआ। तो रूल नंबर वन, एक्स एक्सिस, हाँ वही सेम चीज, इसका मोमेंटम एम वी वन कॉस थीटा वन एम वी वन साइन थीटा वन, और इसका मोमेंटम एम वी टू कॉस थीटा टू एम वी टू साइन थीटा टू, क्लियर है। कोलिजन से पहले एक्स एक्सिस में मोमेंटम क्या है, इस बॉल का क्या एम यू और इस बॉल का क्या जीरो, कोलिजन के बाद एम वी वन कॉस थीटा वन प्लस एम वी टू कॉस थीटा टू, फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, सेम इक्वेशन है, फर्क यह है कि इसमें मास एम 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 क्या हो जाएगा, कैंसल, इक्वेशन नंबर वन क्लियर है। सेकेंड इक्वेशन, वाई एक्सिस में ये मूव ही नहीं कर रहा था जीरो, ये मूव ही नहीं कर रहा जीरो, तो वाई का मोमेंटम कितना, एम वी वन साइन थीटा वन और एम वी टू साइन थीटा टू, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इक्वेशन नंबर टू। तो रीअरेंज करके आपके पास ये इक्वेशन नंबर टू आ गई, ठीक है यहां तक। तो इसमें एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये आ गई, दोनों मोमेंटम से आ गई। एक काम करते हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर देते हैं, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, भाई दो इक्वेशन हैं, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों के राइट हैंड स्क्वायर, राइट हैंड साइड के स्क्वायर का सम। तो अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैं ऐसा करूं तो दोनों के लेफ्ट हैंड लेफ्ट, राइट में एक का यू स्क्वायर है, एक में जीरो है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। और एक और चीज, एनर्जी कंजर्व रहेगी, टक्कर से पहले बॉल की एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर और कोलिजन के बाद हाफ एम वी वन स्क्वायर हाफ एम वी टू स्क्वायर हाफ एम कैंसिल, तो ये इक्वेशन भी संभाल के रखो। तो जब आपने स्क्वेयरिंग एंड एडिंग किया और आपने इसको ओपन किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये बड़ी सी इक्वेशन आई। इन इक्वेशंस के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, एक ये टर्म और एक ये टर्म, इसमें से वी वन स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू वन, इसमें से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन, तो ये टर्म बच गई, और बाकी में से टू वी वन वी टू कॉमन, तो ये टर्म बच गई, ये पूरी पूरी टर्म बच गई इक्वल टू यू स्क्वायर। तो इसके अंदर मैथ, ये वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर किसके इक्वल है, यू स्क्वायर, तो ये वाली टर्म इससे सब्ट्रैक्ट होकर जीरो देगी, ये टर्म भी जीरो से कट जाएगी, और मैथ्स में साइन है साइन भी, कॉस है कॉस भी होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी और इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। कॉस ऑफ कोई भी एंगल जीरो तब आता है जब एंगल क्या होगा, 90। प्रूफ नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा ये सुनो, क्वेश्चन ही आएगा सीधा, आपको भी पता नहीं लगेगा, अगर रिजल्ट याद है तभी आप लगा पाओगे। अगर दो बॉल्स हैं, टू डी कोलिजन है, मास सेम है, एक बॉल एक्स के साथ चली गई एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो बोलो दूसरी बॉल कितने एंगल पर गई, 90 माइनस 30 60, ये रिजल्ट काम आएगा बस। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, एप्लीकेशन कैसे आती है इसकी, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। हाँ, प्रूफ मैंने इसलिए करवाया कि चलो आपको पता होना चाहिए कि कैसे किया, बट आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि किस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, सीधा रिजल्ट आएगा। जैसे प्रोजेक्टर भी नहीं आता था, रेंज रिमेन सेम, एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा, बिल्कुल ये सेम है। तो रिजल्ट बार बार यूज होता रहेगा ऑब्जेक्टिव में या किसी भी क्वेश्चन में, ये आपको पता होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 2D में, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसे। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये मेंशन कर रहा है कि आपके पास दो बॉल्स हैं, ठीक है, एक बॉल है और सपोज एक बॉल है वो इस एक्सिस के अलोंग आ रही है विद अ मोमेंटम ऑफ m1 v1 गिवन, ये रही बॉल,
और दूसरी बॉल है वो बॉल ऊपर जा रही थी विद अ मोमेंटम ऑफ एम टू वी टू. होता क्या है, रास्ते में इनकी हो जाती है टक्कर एंड स्टिक टुगेदर, चिपक गए. तो जब चिपक जाती हैं दो बॉडीज, कौन सी कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, चिपक गए. जब ये चिपकेंगी तो ये कहती है चल मेरे साथ चल, ये कहती है चल मेरे साथ चल, तो ना तो इधर जाएंगी क्योंकि टोटल मास क्या हो जाएगा एम वन प्लस एम टू, ना तो इधर जाएंगी ना इधर जाएंगी, कहाँ जाएंगी, कहीं बीच में जाएंगी. भाई एक इधर चाह रही है तो कहीं बीच में चली जाएंगी. तो क्वेश्चन यही है कि कहाँ जाएंगी, तो पहला क्वेश्चन है. तो ये इनिशियल मोमेंटम इसका फर्स्ट बॉल का कितना है, एम वन वी वन बना लें वेक्टर, इनिशियल मोमेंटम इसका कितना है एम टू वी टू. तो ये कहाँ जाएंगी ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा. ये देखो तो आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि कितने एंगल पर चली जाएंगी, थीटा, ना इधर वेक्टर सम में जाएंगी. ऐसी तो होता है, अगर मान लो ये फोर्स होती एक फोर्स इधर तो ना इधर जाती कहीं वेक्टर सम में जाती, राइट तो इधर जाएगी. अच्छा ये बताओ ये इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम है तो नेट इनिशियल मोमेंटम कितना है, एम वन वी वन का स्क्वायर प्लस एम टू वी टू का स्क्वायर. ये क्या आ गया इसका इनिशियल मोमेंटम वेक्टर सम. तो टक्कर से पहले दोनों का मोमेंटम एम वन वी वन एम टू वी टू है और नेट मोमेंटम इनिशियल कितना है, इतना है. अब जब कोलिजन हो गई और दे स्टिक टुगेदर, अब ये एज अ कॉमन बॉडी मूव करेंगी और मुझे पता है कि किसी भी कोलिजन में इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. तो इनिशियल मोमेंटम है कितना, एम वन वी वन का स्क्वायर एम टू वी टू का स्क्वायर. फाइनल मोमेंटम क्या होगा, चिपक गई और दे विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी. ऐसे करते थे ना कॉमन वेलोसिटी. तो क्वेश्चन आ सकता है फाइंड कॉमन वेलोसिटी, आ जाएगा आंसर. एक आंसर आ गया फाइंड कॉमन वेलोसिटी. तो इनिशियल मोमेंटम वेक्टर सम, फाइनल में एम वन प्लस एम टू इंटू वी, तो एक आंसर. और अगर एंगल निकालना है तो ये वेक्टर कितना है एम टू वी टू, तो ये भी कितना है एम टू वी टू, ये कितना है एम वन वी वन. तो अब एक काम करना, इस ट्राइंगल में टैन थीटा विल बी इक्वल टू क्या, एम टू वी टू डिवाइडेड बाई एम वन वी वन. तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टैन इनवर्स एम टू वी टू डिवाइडेड बाई एम वन वी वन. क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक, ये शीट में किया हुआ है. तो कैसे सोचना है, समझ में आ रहा है ये एंगल कैसे निकलेगा और ये नेट वैल्यू कैसे निकलेगी, ये आपकी शीट में ये देखो किया हुआ है. इसमें ये देखो ये कॉमन वेलोसिटी निकाली हुई है और ये एंगल भी निकाला हुआ है, ठीक है यहाँ तक. और एक लास्ट क्वेश्चन हमने किया हुआ था, टाइम क्या हुआ है, ठीक. एक शीट थी जिसका एक वो भी एक क्वेश्चन बीच में, ये वाला क्वेश्चन था जो वर्क एनर्जी पार का क्वेश्चन था, हमने ऑलरेडी किया हुआ है, बस एक ये क्वेश्चन रह गया था. तो ये बताना है मुझे कौन सी शीट में था, चेक करना, जिसमें वो शीट आगे पीछे थी. शीट नंबर इसमें लग रहा है, हाँ ये रहा. ये क्वेश्चन वर्क पर एनर्जी में हमने ऑलरेडी किया हुआ है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एक ब्लॉक है एम मास का, बुलेट आया यू के साथ, इसके अंदर घुस गया, इकट्ठे चल पड़े, हाइट निकाल लो, किया था. तो सबसे पहले क्या होता है, जब ये इसके अंदर एंटर कर गया दे विल मूव एज अ कॉमन बॉडी, फाइंड कॉमन वेलोसिटी. तो कौन सी कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक, तो मोमेंटम कंजर्वेशन. तो कोलिजन से पहले मोमेंटम बुलेट का एम यू, ब्लॉक का जीरो, और कोलिजन के बाद कॉमन वेलोसिटी वी कॉमन आएगा पहले. तो वी कॉमन निकाला था हमने, फिर हमने क्या कहा था, वी कॉमन से दोनों मूव करेंगे और हाइट एच अटेन करेंगे. तो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल यहाँ पे और यहाँ पर सेम, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या जीरो, काइनेटिक क्या हाफ एम प्लस एम इंटू वी कॉमन का स्क्वायर. यहाँ पर पोटेंशियल क्या एम प्लस एम इंटू जी इंटू एच और काइनेटिक क्या जीरो. इन्हें इक्वेट कर लेते हैं, वी कॉमन हम निकाल चुके हैं, सॉल्व करके एच आ जाएगा. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एक बार आपने ट्राई करना है.